वेलकम टू रिसर्च चैनल। इस हम देखेंगे पत्र लेखन यानी अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। आप इसमें डेट बता सकते हैं कितना भी दिनों की छुट्टी, आप 10 दिनों का जितना जो होता है जितना जो होता है आप कैसे कह सकते हैं। उसको लिखे हैं सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। हम यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ प्लस टू राजकीय विद्यालय मधुबनी, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसका द्वारा वर्ग शिक्षक, क्योंकि हम पहले वर्ग शिक्षक को देते हैं उसके बाद प्रिंसिपल सर को जाता है। तो विषय 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में कितना दिन, आप कहते हैं यहाँ पर छुट्टी का दिन चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए 10 दिनों चाहिए जितना दिन चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद महाशय सबनीय निवेदन यह है कि मैं यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर जो हम डैश मारे वहाँ पर लिख दिए हैं वहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, रवि कुमार इस विद्यालय का नियमित छात्र हूँ, मेरे घर में इसी, आप यहाँ पर 10 जनवरी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ 10 जनवरी दिए, 10 जनवरी को छोटे भाई का मुंडन संस्कार है, यहाँ पर आप विवाह भी कर सकते हैं, 10 तारीख को विवाह है इस, जिसमें अधिकांश काम काज हमें ही करना है और मेहमानों का आना जाना भी 7 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वर्ग में 7 जनवरी से 12 जनवरी तक अनुपस्थित रहूँगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उक्त यानी ऊपर की तिथि, उक्त मतलब होता है ऊपर, उक्त तिथि में छुट्टी देने का कृपा प्रदान करेंगे। उसके बाद गाइस लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर नाम दे दीजिएगा जो भी, जैसे हम यहाँ पर अभी मान ले देंगे वर्ग में, जैसे आप 9th या 10th या 12th में तो एक्स होता है 10th लिख दीजिए, या 12th जो भी क्लास होता है, क्लास का होता है क्लास 11th 12th जो भी लिखना लिख दीजिए। उपवर्ग ऊपर यहाँ सेक्शन में यानी ऊपर का सेक्शन ABC जो भी यहाँ पर आप लीजिए, क्रमांक जितना भी आप लिख दीजिए, उसका दिनांक 4/1/2021 हम यहाँ पर लिख दिए, आपको भी दिनांक कैसा लगा जरूर कहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर रिसर्च चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।